अब भाई क्या हो रही है, बारिश कैसे आ गई? अभी बड़ा बॉम्ब फूटने का आवाज आया, ये पूरे ग्लास जो भी पैनल से शटर हो गए। रुक के लाइनर भी पहन लिया। अरे अभी तो स्टिल ठीक थी, बारिश ने हालत खराब किया आज पूरे दिन। इट्स डे टू ऑफ माई इंटरनेशनल रोड ट्रिप। आज हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली में जाके एक शख्स हमें ज्वाइन करेंगे, वो मैं दिखा दूंगा। बट आई एम राइट नाउ इन उदयपुर। इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो। वी हैव ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू उदयपुर इन वन डे, एंड आज है उदयपुर टू दिल्ली। गर्मी में कल बेहाल हो गया था, पहले वाले व्लॉग में जाके देख लेना, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। टाइम इज 7:30। अभी नीचे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। सामान कुछ ज़्यादा बाहर निकाला नहीं है तो सब वैसे ही का वैसे ही पैक कर देंगे, एंड बस थोड़ा एडिटिंग कर रहा था तो इसको लैपटॉप को अंदर रख के पैक कर देंगे। पहले ब्रेकफास्ट करके आ जाते हैं, देन बाइक को भी देख के आ जाते हैं। अगर कभी भी उदयपुर आते हो तो प्लीज़ होटल पारस महल गिव इट अ ट्राई, बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी है। हर कोई मतलब जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। कल मैंने बोला था कि बाइक को मुझे वहाँ पर वो कोने में पार्क नहीं करना है, तो उन्होंने एकदम गेट के एकदम सामने ही करवा दिया। मैं वो जगह दिखाता हूँ, तो प्लीज़ अगर आप लोग कभी भी मैं अपने महंगे बाइक्स लाते हो या ऐसे कुछ है, मतलब आपको थोड़ा गुड सर्विस, मज़ा आ गया। तो सिंपल सा पूरी अचार और दो वेज, क्या बोलते हैं इसको, वेज पेटीज ले लिए, एंड जूस पी रहा हूँ। सुबह सुबह खाने नहीं जमता यार, आई डोंट नो। जूस एंड फ्रूट्स तो दबा के खाऊंगा मैं, बिकॉज वो ही बचने वाला है दिन के एंड तक। बट सुबह सुबह सॉलिड फूड खाने का होता ही नहीं, आई डोंट नो व्हाई। बट अभी तो कोई ब्रेकफास्ट को भी नहीं आया, जस्ट ब्रेकफास्ट स्टार्ट हुआ एंड मैं अकेला आया हूँ। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया डन, एंड बाकी अभी सब गैस वैस पहन लेते हैं, देन बाकी जितने भी सामान बाहर है सबको अंदर रख देते हैं, पैक कर लेते हैं। चलो निकलते हैं यार, अभी तैयार हो जाते हैं। वी आर गुड टू गो, एक्साइटमेंट इज फॉर दिल्ली टुडे। हाँ, ऐसे कुछ बाइक पार्क की थी, एंड ये मेन गेट है, एंड यहीं पर ही हम लोगों ने बाइक पार्क कर दी थी। तो पूरा वॉचमैन का ध्यान था कि ताकि कोई बाइक को छेड़े वेड़े ना, एंड देयर हॉस्पिटैलिटी वाज अमेजिंग। होटल पारस महल, नाम याद रखना, उदयपुर में है। एंड वाइजर क्लीन हो गए, ये भी क्लीन कर दिया। एक सेकेंड, गॉगल भी पहन लेते हैं भाई, बिकॉज गर्मी तो वैसे ही चालू हो चुकी है। आज मैं हाइड्रेशन पैक पहन नहीं रहा, बिकॉज यार ये हाइड्रेशन पैक ना पीठ पे थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है, एंड मेरा उसके वजह से नेक पेन हो रहा है, नेक एंड बैक ब्रेस एरिया जो बोलते हैं वहाँ पर पेन हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा नहीं पहनूंगा इस बार। और वैसे भी वो एक लीटर का हाइड्रेशन पैक कब ख़त्म हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, इसलिए रुकना ही पड़ रहा है। तो मैंने सोचा भाई हम लोग जब रुकेंगे तब पानी पियेंगे, वैसे ही प्लान करते हैं। एंड पानी वैसे भी कैरी कर रहा हूँ आज मैं, आज वो गलती नहीं कर रहा मैं कि पानी आज मैंने होटल से ले लिया है, मस्त। चलो एंड ट्रिप ज़ीरो करना है आज का, लेट्स गो बॉयज। तो आज का थोड़ा सेटअप आपको डिफरेंट लग सकता है, जस्ट बिकॉज आज सेटअप पूरा चेंज हो गया है, मैक्स लेंस भी लगाया है आज, तो पूरा सेटअप थोड़ा डिफरेंट रहेगा आप लोगों के लिए। सो दिल्ली का लोकेशन जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पर डाल दिया है। लोकेशन में थोड़े ब्लॉक के एंडिंग के टाइम पे बताऊंगा। 665 किलोमीटर 12 आवर 7 मिनट्स दिखा रहा है, 9:23 तक पहुँचेंगे हम, एंड टाइम अभी हुआ है 9:15। लेट्स गो गणपति बप्पा। ये हायर आरपीएम में स्टार्ट होता है 1600 टू 1700 के बीच में, एंड ये धीरे 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 1200 1130 1230 ऐसे इसमें रेंज में आएगा। मतलब इसको कोल्ड स्टार्ट की ज़रूरत नहीं है ये बाइक को, समझ रहे हो। चलो फ्यूलिंग डन। अरे ट्रिप तो ज़ीरो किया ही नहीं। ये लो ट्रिप कर दिया ज़ीरो आज का, लेट्स गो। सो हमने ले लिया है जयपुर अजमेर हाईवे विच लीड्स टू गुड़गांव एंड दिल्ली टू।
अभी एक टनल आता है, गेस ये वही रास्ता है, एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाईवे। बट लास्ट टाइम ना मैं कहीं तो गूगल आंटी मेरे को दूसरे जगह से लेकर गई थी। कैमरा में नहीं समझ रहा होगा बट क्रॉस विंड्स आर टू हैवी बॉस। बाइक को तो कुछ नहीं, बाइक तो स्टेडी है, बट मेरा हेलमेट इधर उधर हिले जा रहा है, मेरा बॉडी इधर उधर हिले जा रहा है। 86.4, 86.3 इज माई एवरेज स्पीड। डिस्टेंस वी हैव कवर 210 किलोमीटर्स इन 2 hours 26 minutes. For the last 2 hours 30 minutes, we are continuously riding. I did not take even a single break. I'm planning to take a break in some time, around 12:31. वही टाइम पे बाइक का फ्यूलिंग कर लेंगे। बाइक को फ्यूलिंग की में भी ज़रूरत ना पड़े, बट देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो बाइक की फ्यूलिंग कर लेंगे, वरना अपना पेट पूजा करके बढ़िएंगे। एंड गला भी सूख रहा है बिकॉज गर्मी बढ़ चुकी है। इट्स 39 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, इट फील्स लाइक 42. लेट्स सी, सो फार सब गर्मी बस। 9th या 10th सेफ एक्सप्रेस का ट्रक है। क्यों दिख रहे हो यार इतना सामने मेरे? तो यहीं पर ही कुछ पी लेते हैं, देन बढ़ेंगे आगे। सो आई हैव स्टॉप्ड एट सम प्लेस विच इज़ 400 किलोमीटर्स बिफोर दिल्ली, एंड अजमेर एंड जयपुर भी थोड़ा आगे। अजमेर तो 2 मिनट में पहुँच जाएंगे, विल रीच अजमेर इन 2 मिनट समथिंग, एंड बट जयपुर यहाँ से है थोड़ा टाइम, लाइक 128 या 145 किलोमीटर्स, आई एम नॉट श्योर विद द नंबर्स। बट या यहाँ पर रुक के आई हैव बॉट 2 things. एक ठंडा पानी का बॉटल ले लिया है, एंड उसके अलावा नींबूस, दोनों पियेंगे, देन बढ़ते हैं वापस। गर्मी इज़ अनबेरेबल, इट इज़ समथिंग अराउंड 40-41 डिग्रीज, बट इट फील्स लाइक 46-47. एक तो बिल्कुल भी हवा भी नहीं चल रहा है, इसलिए गर्मी इज़ वेरी अनबेरेबल गर्मी। इसमें टेका मत लेना अंकल, डायरेक्ट अंदर डाल दो। तो टैंक इज फुल, हमने भरवा दिया है पेट्रोल। 1520 रुपए का पेट्रोल गया इसमें अभी फिलहाल, तो पेट्रोल डलाने का थोड़ा टाइम लगता है वो सेट होने के लिए। बॉय फॉर श्योर उधर देख के लग रहा है कि बारिश हो रही है। अब भाई क्या हो रहा है, बारिश कैसे आ गई अभी? पूरे लेफ्ट साइड में काले बादल एंड पूरा पूरा अंधेरा हुआ पड़ा उधर।
moments later. So GoPro को भी waterproofing कर दिया है and आगे एक session camera लगा दिया है. But उससे पहले इसको थोड़ा set कर देते. Rain mode डाल दिया है and let's go. This is my first time कि मैं rain में चला रहा हूँ and I hope मेरा GoPro short ना हो. मैंने पूरा वो ब्लू टैग से पूरा वाटरप्रूफिंग वाला जुगाड़ तो कर दिया है एंड लेट्स सी. भाई इधर लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो हो रहे हैं ना आजू बाजू, इतना बूम बूम हो रहा है. बहुत बड़े बड़े स्ट्राइक्स आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े. जज्बात बदल गए, माहौल बदल गए, इरादे बदल गए, सब बदल गए भाई, मौसम बदल गए. I'm not gonna off the camera. जैसे ही ऑफ करूंगा कैमरा में दो बड़े बड़े लाइटिंग आके गए. 24 डिग्री सेल्सियस बट भाई बारिश जो हो रही है ना एकदम ठंडी ठंडी है, कुल्फी जम रही है अंदर से. हीटेड हैंडल बार्स अभी नहीं चालू करूंगा, ये थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है, जब एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी तब करूंगा. ओ आई एम प्रिपेयर्ड. रुक के लाइनर भी पहन लिया बिकॉज भाई बहुत जोर की बारिश स्टार्ट हो गई, तो पैंट के लाइनर हाथ का भी डन एंड वी आर गुड टू रंबल अगेन. 22 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. So we've seen today 42 से 22 तक 20 डिग्री का फर्क. मैं पूरा मौसम बदल गया भाई. वी आर 110 किलोमीटर्स बिफोर दिल्ली एंड बर्गर किंग में रुके हैं क्योंकि दोपहर का खाना तो हुआ नहीं, मस्त सब बर्गर आ गया एंड सिद्धा इज बाइक पार्क राइट देयर. पूरी मैली पड़ी हुई है बट शी लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. सो ये अभी खाते हैं, एनर्जी मिलेगी, देन वी लीव एंड आई होप आगे बारिश ना मिले, इसलिए मैंने रेन लाइनर तो निकाल दिया बट नीचे का रखा है क्योंकि रोड से जो कीचड़ उड़ेगा, बट अभी मिट्टी उड़ रहा है तो आई गेस आगे बारिश नहीं है. खा लेते हैं यार पहले. अभी विंडो के सामने सामने एक लाइटनिंग हुआ एंड इतना बड़ा बॉम्ब फूटने का आवाज़ आया कि ये पूरे ग्लास जो भी पैनल्स है शटर हो गए. अभी मेरा हो गया बर्गर ख़त्म, अभी निकलते हैं GoPro में से मिलते हैं बिकॉज यहाँ पर बारिश स्टार्ट होने से पहले निकल जाना है. हाँ टेका मत लेना. क्या हुआ? रोड पूरी दिख जाती है. हाँ पूरी दिख जाती है. हाँ हाँ कितना मीटर आगे की दिखाती है ये पूरा, जितना आपको आपके जैसे आंखें हैं. नहीं नहीं जिसको गड्ढा उड़ा गया आगे से तो पहले शो करती है क्या? नहीं 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 ऐसा नहीं है, तो वो तो देखना तो आपको ही है. तो फ्यूलिंग इज डन. मैं बताना भूल गया, हम जा रहे हैं रेड लाइन रेसिंग स्टोर सिमरन भाई के पास. एक छोटे से इशू के वजह से इसको ना थोड़ा शिफ्ट करेंगे क्योंकि राइट साइड यूटर्न व्यूटर्न मारना रहा ना तो वो घूम नहीं रहा हैंडल. ये हैंडल आके लग रहा है अपने टैंक बैग को. बाइक पीछे बहुत त्रास है. मोड़ ले, यूटर्न ले ले यार. बस डन. हज़ार्ड्स ऑफ खत्म. अरे अभी तो स्टिल ठीक थी, बारिश ने हालत खराब किया आज पूरे दिन. सो बाइक को कर दी पूरी खाली और आज तो ये इधर ही रहेगी और मैं जा रहा हूँ सिमरन भाई के साथ खाना खाने. भाई बहुत गंदी हो गई है गाड़ी. सो यस हम आ चुके हैं रूम में एंड बाय द वे
आई मीन दिल्ली राइट नाउ। सिमरन भैया के साथ बाहर गए थे, डिनर हो गया, देन हम लोग सीपी गए। मेरी बाइक है पार्क सिमरन भाई के घर के पास, एंड कल वो जाएगी रेड लाइन रेसिंग स्टोर में, वो अगले व्लॉग में देख लें। एंड पैनियर्स इधर रख दें, टॉप बॉक्स इधर रख दिया, गेयर सब इधर डाल दिया है, बस यही है। अब ब्लूटूथ ऑन है, इसको ऑफ करना पड़ेगा। कल होगा बाइक का वॉशिंग, बाइक के वॉशिंग के बाद हम एक छोटा सा सेटिंग है जो वो डे डिमर रहता है, उसको हम लोग थोड़ा ऊपर लेने वाले हैं जस्ट बिकॉज वो टैंक बैग में लगता है। तो वो होने के बाद वी आर सेट फॉर द राइड। इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट एवर रीजन प्लीज डू द लाइक बटन, प्लीज कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, एंड देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, राइड सेफ, एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। बाय बाय।